दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। एक बेकरारी सी है, उलझन सी है बच्चों के दिलों में कि सर नीट का रिजल्ट कब आएगा। जो सपना हम बचपन से देखते आए हैं कि हमें MBBS करना है, हमें एम्स जाना है, हमें KGMC जाना है, तो कब NTA रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और हम अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग ये प्लान कर पाएंगे कि हमें कौन सा ड्रीम कॉलेज मिलेगा। अब रिजल्ट के लिए तो आज बोला था NTA ने कि आज 7th of September को हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर हो उससे पहले कुछ अनसुलझी सी पहेलियां हैं जो कि रिजल्ट को डिक्लेयर होने से रोक सकती हैं या फिर यहां पर बच्चों का लॉस भी हो सकता है। क्या पहेलियां हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, आप सभी को पता है कि हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 200 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से कम 4 से 5 क्वेश्चंस को चैलेंज किया था NTA को, और उन क्वेश्चंस का क्या आंसर है, क्या रिस्पॉन्स है, अभी तक NTA ने कुछ क्लियर नहीं किया था। इसके अलावा रीनीट एग्ज़ाम हुआ है 4 सितंबर को 5-6 सेंटर्स पर, उसका भी अभी तक ना तो आंसर की आई है ना कुछ हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु में जो है, और शायद एक कोई स्टेट है जहां पर OMR टेम्परिंग को लेकर, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी OMR में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जब वो पेपर देख के आए, उन्होंने टैली किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे तो उनके नंबर 600 प्लस थे, NTA ने नंबर दिया तो वो नंबर 150 या 200 नंबर, इवन कुछ बच्चे माइनस में भी चले गए हैं। तो इसको लेकर भी हाई कोर्ट में केस किया गया था टेम्परिंग को लेकर, और इस पर भी अभी तक हाई कोर्ट का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिजल्ट आने में डिस्टर्बेंस बने हुए हैं। अब इस पर NTA का अंतिम फैसला इम्पॉर्टेंट है कि NTA क्या चाहता है। टेम्परिंग को लेकर 2020 में भी एक केस हुआ था जहां पर एक बच्चे के नंबर 580 हुए थे, उसके बाद उसको उन्होंने 250 नंबर दिए थे, फिर उसने केस किया। आज वो MBBS सेकेंड ईयर में है, लेकिन अभी तक वो केस सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वो तो एक बात की बात है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उन पे NTA को कुछ ना कुछ क्लियरेंस देना होगा, कोई जवाब देना होगा, ताकि एटलीस्ट हजारों बच्चे हैं यार, हर बच्चे से 1000 रुपये ले रहे हो तो करोड़ों का हिसाब किताब कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट क्लियर करो। अगर आप NTA की माने तो आज रिजल्ट आ सकता है, बट अगर आप फैक्ट्स को माने तो आज रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी 50% तो नहीं है, बाकी लेट्स वेट क्या होता है। आपको क्या लगता है आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो में तो ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।